मतलब न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वजाद बुखारी और आपको खबर दिखा रहे हैं। आपको हम खबर दिखा रहे हैं पुंछ से, जहां पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है, इसमें इसके जो डिपार्टमेंट के जो इंप्लाइज हैं उन्हें पिछले 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। आज इन्होंने चीफ मेडिकल अफसर पुंछ के दफ्तर के सामने धरना दिया और इन्होंने कहा हमारी जो पे है वो कागजात की जाए। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपकी ये जो स्ट्राइक है किस वजह से है? जी, हमारे यहाँ पे जो स्ट्राइक है, एक फैमिली वेलफेयर जो है इसका मेजर हेड है 2211, तो हम लगभग 100+ जो हैं फीमेल जिसमें काम करती हैं, तो हमारी सैलरी जो है 5 महीने से बंद है। तो पिछले साल भी इसी तरह 1 साल के बाद हमें सैलरी मिली थी, तो हम इसीलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं कि हमारी जो सैलरी है एक तो रेगुलर मिलनी चाहिए और जो हमारी जो पेंडिंग है ये भी हमें मिलनी चाहिए और आगे से भी हमारा रेगुलर जो है इसका सलूशन होना चाहिए। हम लोग हमेशा दरबदर हैं अपनी सैलरी को लेके। अगर हम काम में कोई कोताही नहीं करते तो हमारी सैलरी का जो ये इशू है क्यों है? आज तो ऑनलाइन सारा सिस्टम है, हर काम जो है ऑनलाइन होता है, बट ये सैलरी का जो है ये इशू ऊपर से कोई है एरर, तो इसका जो खमियाजा है हमें भुगतना पड़ रहा है जो ग्राउंड लेवल पे हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा मैसेज जो है इस वक्त गवर्नर साहब तक पहुंचना चाहिए कि हमारी फीमेल की जो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है हमारी सैलरी की, तो जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन जो है निकाल। जिला कहते हैं कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने आज रेफ्यूजीज के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया जिसमें उन्होंने तमाम तरह उनकी प्रॉब्लम्स जानी और इस हवाले से उन्होंने पसमंजर न्यूज से बात की। यहाँ पे एक रेफ्यूजीज की एक मीटिंग ली थी रिगार्डिंग उनके जो इश्यूज हैं उनको भी डिस्कस करने के लिए, और इसके अलावा जो अभी तक हमारे जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो रेफ्यूजीज के लिए जो पैकेज आया था, तो उसमें से कुछ फॉर्म हमारे अभी तक अभी भी पेंडिंग है जो कि हमें वापस नहीं मिले हैं, तो उसके लिहाज से भी उसको रिव्यू करने के लिए कि क्या क्या लोगों को मुश्किलात आ रही है। इसमें लोगों ने जैसे अपने इश्यूज बताए कि कई जगह जो है लोगों के डॉक्यूमेंट्स की जो है कमी है, उसमें तहसीलदार को जो कंसर्न तहसीलदार है उनको हिदायत दी गई कि वो जो भी लोगों को जो मदद चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने के लिए करें। इसके अलावा कुछ जगह जो है लोगों के म्यूटेशन पेंडिंग है जिसमें उनके विरासती म्यूटेशन नहीं हो पाए हैं, तो उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है जो रिफ्यूजीज के उनसे जो है ये रिक्वेस्ट की गई कि वो भी ऐसे पेंडिंग म्यूटेशन की हमको एक फेहरिस्ट प्रोवाइड करा दें सो दैट हम उन पे जो है नेसेसरी एक्शन ले सकें और जल्दी वो म्यूटेशन किए जा सकें। और इसके अलावा जो अगर कहीं पे कोई फैमिली डिस्प्यूट है या फिर कोई इस टाइप का इशू है जिसके वजह से कोई फॉर्म जो है नहीं जो है सबमिट हो पाया है, तो उसमें भी लोगों से गुजारिश है कि वो आपस में रिजॉल्व करके उसको जल्द ही फॉर्म अपने सबमिट करें। इसके अलावा भी जो है हम एज अ जनरल पब्लिक से भी मैं जो भी रिफ्यूजेस हैं आपके प्रेस के माध्यम से मीडिया के माध्यम से ये उनसे अपील करता हूँ कि अगर उनका कोई भी इश्यूज है तो वो हमारे पास लाएं और अपने फॉर्म जो भी यहाँ से जो है जो भी यहाँ से फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुए थे उनको जल्द से जल्द PRO ऑफिस में या फिर हमारे थ्रू सबमिट कराएं सो दैट उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो इमदाद आई है वो जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूट हो सके। राजपुरा मंडी में 26 पंजाब की कमांडिंग ऑफिसर की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया और जहां पे लोकल टीम और आर्मी की टीम के दरमियान मैच हुआ जिसमें लोकल टीम ने यह मैच जीत लिया। वॉलीबॉल का यह मैच एक गुड गेस्चर के तहत खेला गया और जिसमें कमांडिंग ऑफिसर ने इस मौका पे यूथ के साथ इंटरेक्ट होते हुए उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि यूथ के साथ एक बेहतर रिलेशन बनाया जाए। मंडी से रियाज मलिक की ये रिपोर्ट। वैसे कल परसों बात हो रही थी हमारे वॉल्यू फरीद साहब से, तो साहब ने हमें मौका दिया कि हमारा सिविल के प्रति कैसा व्यवहार है, कैसा रवैया है, ये दिखाने का हमारे को एक मौका मिला। ये हमने कहा नहीं, जो भी है जितना भी टाइम कम है उसकी कोई बात नहीं, हमने इसको सबसे अच्छे तरीके से करना है। और ये जो प्रिपरेशन आपने जो भी देखा, इसके लिए हमने काफ़ी रिसोर्सेज मोबिलाइज किए, छोटे छोटे ट्रॉफी आए, सर्टिफिकेट आए, है ना, तो हमने थोड़े मेहनत से किया। इस तरह से क्यों किया? क्योंकि हमारा आपसे बहुत ही लगाव है। थैंक यू सर, है ना, हम चाहते हैं कि हमारी दूरी जो आपसे है ना उसको कम से कम, आफ्टर ऑल हम लोग भी क्या है, एक आप ही की तरह इंसान है, ह्यूमन बीइंग है।